यहाँ पे जिस ढंग से जनता विरोधी कानून यहाँ पे लाए जा रहे हैं, न्यू लैंड लॉज को लेके, वहाँ पे फार्मर्स बिल को लेके भी एक विरोध का अपना किस्म का ये प्रोग्राम है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हर एक जनता, हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में लोग दिल से यहाँ से निकल के आ रहे हैं। जिस ढंग से जनता विरोधी कानून लाए जा रहे हैं, सिग्नेचर कंपेन को अंतिम चरण के बाद इसको एक ज्ञापन के तौर पर, मेमोरेंडम के तौर पर, ये मीर साहब की लीडरशिप में इसको प्रेसिडेंट के वाले यहाँ पे किया जाएगा, ताकि उसके माध्यम से, उस ऑफिस के माध्यम से गहरी और गूंगी सरकार और बहरी सरकार जो गहरी नींद से सोई हुई है उसको जगा पाएँ और वो अपना ध्यान उस जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ आकर्षित कर पाएँ और ऐसे कानून जो जनता विरोधी कानून है उसको रोक पाए की मांग यहाँ पर उठाते हैं। हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, गांधीनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की तरफ से, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। स्कूली साहब और बाकी सारी टीम ने मिलजुल के ये कार्यक्रम यहाँ पे किया। ये हस्ताक्षर अभियान है और इसका फॉलो अप होगा 9 तारीख को ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, जिसमें रजनी पाटिल जी यहाँ पे आएंगे और एक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मीरा साहब और आरसपुरे में जाके बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे होगा, वहाँ पर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और हस्ताक्षर अभियान जारी। मुद्दे हमारे सामने दो है इस वक्त। एक तो जो जमींदारों के लिए जो मरकजी सरकार ने जो कानून पास किए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की मुख्य तो डिमांड है कि आप इंटरनेशनलाइज करिए, आप मल्टीनेशनल कंपनीज को लाइए, उसमें कोई एतराज़ हमारा नहीं है। मगर जो ज़मींदारों से जो उनका प्रोड्यूस खरीदने का जो सिलसिला है, उसमें किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो सरकार फिक्स करती है किसी भी फसल को, और उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे ज़मींदार को धोखे में फसल नहीं खरीदना चाहिए, उससे उसका नुकसान हो। जिस किसी मल्टीनेशनल कंपनी को खरीदना है वो मिनिमम सपोर्ट के ऊपर से किसान से खरीदे, चाहे साल भर पहले खरीदे, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि किसानों की मजबूरियां आती है, कभी बेटी की शादी है तो एडवांस अपना फसल बेच देता है, कभी मकान बनाना है तो एडवांस अपना फसल बेच देता है। तो इस तरह से उस मजबूरी का मल्टीनेशनल कंपनीज़ फ़ायदा ना उठाए, किसानों को नुकसान ना पहुंचाए, वो जिस टाइम भी खरीदे उस टाइम पर भी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उनसे अपना प्रोड्यूस खरीदे, ये हमारी डिमांड है। और उसको उस कानून में डाल दो। ज़बानी मरकजी सरकार कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट के साथ में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मगर ज़बानी कहने के बजाय जब आपने कानून बनाया तो उस कानून में भी मेंशन कर लेता तो हर आदमी उसको इम्प्लीमेंट करता। आज कोई ऐलान करता है, कल दूसरा नहीं मानता है, तो ऐलान का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। नंबर एक डिमांड हमारी वो है। नंबर दो, जो आज हम कहते हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं, ये जो अभी रिसेंटली हमारे लैंड लॉज को अमेंडमेंट की है मरकजी सरकार ने, होम मिनिस्टर ने, जिसके तहत में कहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय आकर के ज़मीन खरीद सकता है, ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है। जब हम 15 महीने से कह रहे थे कि ये धीरे धीरे कहाँ ले जा रहे हैं हमें, तो शायद बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे। हमने तो आवाज़ उठाई थी कि जम्मू कश्मीर का कल्चर ख़त्म होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान ख़त्म हो जाएगी, और आप अगर जानते हो जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ है उसमें दिन दहाड़े डकैतियाँ कितनी बढ़ती है, वहाँ पर क्राइम्स कितने बढ़ते हैं और किस तरह से जंगल राज होता है। तो हमारा एक शरीफुल नफ्स स्टेट था, बहुत छोटे मोटे